इंसानी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर इन्हीं रिश्तों पर इन्हिसार करता है। इसकी हर कोशिश इन्हीं रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए होती है। अल्लाह पाक ने हर रिश्ते को मुकद्दस बनाया है और ज़मीन पर जितने पैगंबर भेजे इन्हें भी इन रिश्तों को निभाने की ताकीद की और इंसान पर लाजिम किया कि हर रिश्ते को अच्छी तरह और पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, किसी को भी तकलीफ़ या नुकसान न पहुँचाए। लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों में नाचाकियाँ, तलखियाँ और बदसलूकियाँ पैदा हो जाएं, तो इंसान जहनी परेशानी और डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और दूसरों को भी इसका नुकसान पहुँचता है। तहकीक के मुताबिक कमज़ोर खुद एतमादी के लोग खुद को बदलने में दबाव महसूस करते हैं। कम खुद एतमाद लोग जब किसी से राज़ी ना हों या मुत्तफिक ना हों तो परेशान हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये लोग रिश्ते में दबाव डालते हैं कि वो उसकी बात पर मुत्तफिक हो जाए। ये भी देखने में आया है कि ऐसे लोग किसी पर शक के बिना पर उसको नोट करते हैं। इस तरह की वजूहात दोनों तरफ के रिश्तों को बहुत नुकसान देती हैं और ज़िंदगी के दूसरे मराहिल में मसाइल पैदा कर देती हैं और जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत को भी ख़राब कर देती हैं। खुशहाल रिश्ते से मुराद ऐसे ताल्लुकात हैं जिसमें आप जहनी और जिस्मानी तौर पर तवाना रहते हैं, आप में खुद एतमादी का जज्बा बढ़ता है। इस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सरगर्मियाँ बखूबी अंजाम दी जा सकती हैं। आप रिश्ते में मौजूद दूसरे लोगों से हर बात कर सकते हैं। आप जहनी तौर पर आज़ाद होते हैं। अच्छा रिश्ता इज्जत करना सिखाता है, सही गलत में फ़र्क करना सिखाता है, मजबूत सोच का मालिक बनाता है। तहकीक के मुताबिक रिश्ते में मौजूद दोनों तरफ के लोगों के अच्छे ताल्लुकात से उनकी जिस्मानी सेहत चुस्त रहती है, आदतें सेहतमंद होती हैं और सारी उम्र भी उनके रिश्ते कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ ना खुशगवार या ख़तरे में पड़े हुए रिश्ते जहनी तनाव की वजूहात की वजह से डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। एहसास कमतरी जैसे एहसास रिश्तों में जगह ले लेते हैं। 2004 के मुताले के मुताबिक रिश्तों में अलहदगी से औरतें जहनी तौर पर मर्दों से 72% ज़्यादा मुतासर होती हैं। शादी के बाद रिश्तों में पैदा होने वाली नाचाकियों की वजह से दिल के अमराज ज़्यादा लाहक होते हैं। अच्छा रिश्ता जहनी सेहत को बेहतर करता है। रिश्तों में मनफी रवैये जहनी सेहत पर मनफी असरात डालते हैं। हमारी जिस्मानी सेहत पर मुकम्मल तौर पर बुरा असर पड़ता है। मनफी रिश्तों की वजह से और उनसे मुतासिर होने वाली ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। इन ख़वातीन में बढ़ने वाली बीमारियाँ हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मैदे का अल्सर पाया जाता है। 2003 की तहकीक के मुताबिक रिश्तों में नाचाकियों की सबसे बड़ी वजह नाकामयाब शादियाँ हैं। इस तरह से जो लोग घर से बाहर काम करते हैं उनके पूरे दिन की रूटीन ख़राब होती है और कारोबारी ज़िंदगी में भी नाकामी होती है और मुकम्मल जहनी तनाव से मुतासर लोग जहनी और जिस्मानी बीमारियों के घेराव में आ जाते हैं। इस तरह के मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर आम होता है। अमेरिका में हर 5 में से 3 शख्स रिश्तों के मसाइल की वजह से शराब के आदी हो जाते हैं। एशिया में 2010 में एक सर्वे के मुताबिक डिप्रेशन के बढ़ते हुए मर्ज की वजह रिश्तों में नाकामियां सामने आईं। रिश्तों में मुश्किलात की वजह से इंसान की ज़िंदगी कई तरीकों से मुतासिर होती है। 2010 की WHO की तहकीक के मुताबिक 3 माह में 35,000 शख्स एंजाइटी का शिकार होते हैं। पुरसकून नींद हमारी सेहत को बेहतर बनाने में ख़ास किरदार अदा करती है, मगर जब जहनी परेशानियों की वजह से मुकम्मल नींद ना हो तो इंसान बहुत से मसाइल में घिरा रहता है। रिश्तों में मुतमईन ना होने की वजह से जहनी मसाइल बढ़ जाते हैं और हमारे खाने पीने और सोने के टाइम में खलल आता है। इस तरह ये मोटापे की बुनियादी वजह भी बनती है। एक अच्छा और खुशहाल रिश्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाता है और तमाम परेशानियों में किसी हद तक निजात का सबब बनता है। रिश्तों में किसी वक्त परेशानियाँ आ सकती हैं, मगर हम अपनी ज़ात में बेहतरी लाकर इन्हें बेहतर कर सकते हैं और पुरसकून रह सकते हैं। रिश्ते बहुत से होते हैं जिनसे हम किसी न किसी तरह मुंसलिक होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की खुशी या गम से हर तरह वाबस्ता होते हैं।